दोस्तों गजब की अपडेट्स आपको दूंगा मैं, मतलब यार आप ये लगा लो अपडेट तो मजेदार है ही। साथ में आपको मिलने वाला है 15,000 में ऐसा फोन जो कि फ्लैगशिप फोन को फेल कर सकता है फुल यू डिस्प्ले के साथ। क्या कहते हैं ऐसा बताता हूँ, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तगड़ी वाली सेल स्टार्ट होने वाली है। हालांकि उस सेल में से मैं सभी फोन तो आपको रिकमेंड नहीं करने वाला, 2-3 फोन है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी सारे फोन वहां पर वैल्यू फॉर मनी नहीं लगे मुझे। बाकी पहला अपडेट है हमारा एप्पल की तरफ से। आईफोन में आपको जल्द मिल जाएगा 5G का अपडेट। मैं भी यूज कर रहा हूँ आईफोन 12, कितने टाइम से मैं वेट कर रहा था कब 5G आएगा, और मैं आपको बताऊंगा वीडियो बनाकर क्या स्पीड आ रही है यहाँ पर एयरटेल या जियो 5G की। तो अब जल्दी अपडेट आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग के बारे में भी। इससे बड़ी बात है कि अब जो आगे आने वाले टाइम में न्यू आईफोन आएंगे वहां पर आपको सी टाइप पोर्ट देखने को मिलेगा, जो लाइटनिंग केबल आती है ना इसको अब हटा दिया जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है क्योंकि जो एयरपोर्ट रहते हैं एप्पल के वहां भी होता है सी टाइप पोर्ट। अब बंदा कितनी केबल्स कैरी करेगा सोचने वाली बात है, सी टाइप केबल तो सबके पास अवेलेबल होती ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रहा है जीमेल की तरफ से। जीमेल में अब ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब क्या होगा ना, अगर आपका मान लो कोई पार्सल आने वाला है, आपके पास मेल में सारी डिटेल है, आपको ट्रैक करना है पार्सल आपका कहाँ पहुंचा, तो आप जीमेल के अंदर ही उसको ट्रैक कर पाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, अभी उन्होंने डेमो दिखाया, एक्चुअल में जब अपडेट आ जाएगा फिर मैं आपको रियल डेमो यहाँ पर दिखा दूंगा, फिलहाल इससे आप काम चला दीजिए। फीचर अच्छा है। अभी क्या रहता है ना, मान लो कोई आपका पार्सल आ रहा है जो उसकी वेबसाइट है वो आपको ओपन कर वहां पर ट्रैक करना पड़ता है क्या कोरियर की डिटेल्स हैं, क्या ट्रैकिंग डिटेल्स हैं। अब इनबिल्ट रहेगा तो मजा आ जाएगा। अब ट्विटर को लेकर 3 अपडेट्स हैं। पहला अपडेट जो एडिट बटन है वो अब आपको सबको मिलने वाला है, जल्दी अपडेट आ जाएगा, रोल आउट किया जाएगा 7 नवंबर तक बोला जा रहा है ये अपडेट सबको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास ब्लू टिक है तब आपको मंथली इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बोल दिया गया है $8 आपको मंथली पे करने होंगे ब्लू टिक अपने पास रखने के लिए, उसका ये चार्ज रहेगा। अब कोई यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, जितनी मर्जी कंप्लेन हो जाए उन्होंने क्लियर कह दिया है ये तो आपको देने ही पड़ेंगे पैसे, या तो पैसे दे दो मंथली या फिर ब्लू टिक अपना आपको देना पड़ेगा उनको वापस। एलोन मस्क पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं, देखते हैं कब तक चलेगा और क्या क्या और नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छी बात उन्होंने एक किया है कि वीडियो से अब आप अर्निंग कर सकते हैं। मान लो कोई आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं वहां पर आप कि जो वीडियो देखेगा उससे आप चार्ज दे पाएंगे वीडियो का, ऐसे कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये अच्छी बात है। बाकी जो पहले वाला अपडेट है $8 पे करने वाला मंथली, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मेरे पास ब्लूटूथ नहीं है। दोस्तों सैमसंग के जो फोल्डेबल फोन है वो काफी पॉपुलर है, पर दिक्कत यहाँ पर ये रहती है कि जो एस पेन है वो आपको अलग से कैरी करना पड़ता है। पहले लिख सारे थे इस साल जो फोल्ड 4 आएगा वहां पर एस पेन की जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है या एक लीक निकल के आ चुका है कि जो अब आने वाला फोल्ड फोन आएगा वहां पर आपको एस पेन के लिए जगह दी जाएगी, आप फोन के अंदर ही एस पेन को कैरी कर पाएंगे जैसे आप नोट सीरीज में कैरी करते थे। अब ये अच्छी बात है बिकॉज अलग से कितना कैरी करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं एस पेन आपका गुम भी हो जाएगा अलग से कैरी करने से, तो ये बीच में ऑप्शन होना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी था। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और साथ में दबा दो बेल आइकन ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करो, आप आगे बढ़ते हैं। एयरटेल दोस्तों बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, अब जियो को कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा ये स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करवाने के लिए। एयरटेल में 30 दिन के अंदर 1 मिलियन 5G यूजर जुड़ चुके हैं। अब ऐसे चलता रहा तो भाई जियो क्या करोगे आप? अब जियो को, जियो मुझे पता क्या करेगा, जियो बस ये करेगा कि फ्री 5G डेटा जिससे वापस से उसके पास ट्रैफिक पहुंच जाए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, जियो की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आने वाले टाइम में 5G या 5G प्लान्स को लेकर जिससे वो एयरटेल को टक्कर दे? आपके ओपिनियन आपके बारे से मुझे बता सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो फ्री वाला गेम खेला जाएगा फिर से। दोस्तों आईक्यू नियो 7 हम सबको बताया बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर होगा डेमेसिटी 9000 प्लस प्रोसेसर। अब आपको आईक्यू नियो 7 SE भी देखने को मिलेगा बाहर की मार्केट में, अभी से एक फोन इंडिया में आएगा, कौन सा आता है इसको लेकर थोड़ा डाउट चल रहा है। हालांकि दोनों ही फोन बहुत तगड़े हैं, इनमें से कोई भी आ जाए ना अच्छी प्राइसिंग पे मैं कह सकता हूँ मजा आ जाएगा। जो आईफोन नियो 7 SE है यहाँ पर होने वाला है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन का प्रोसेसर, यानी कि 8 जनरेशन 1 यहाँ पर होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये कम प्राइस का फोन आने वाला है तो 8 जनरेशन 2 होना तो उतना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, तो 1 ही आएगा यहाँ पर अगर ये फ्लैगशिप किलर बनना है फोन तो। 30,000 के अंदर की रेंज का एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 50 MP का रियर में प्राइमरी कैमरा विद OIS, 5 mAh बैटरी, 120W की फास्ट चार्जिंग। आप बताओ मुझे कमेंट में आपको ये पूरा पैकेज कैसा लग रहा है अगर ये आता है 30 के अंदर, तो मुझे तो लग रहा है ये बहुत ही तगड़ा रहेगा और अच्छे अच्छे को ये बीट कर सकता है उस रेंज में। बाकी देखते हैं
क्या होते हैं अनवेटेड टाइम में। अब ये फोन दूर नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ, और इसको आप अंदर की बात भी समझ सकते हैं। अब ये तो पूरा टाइम शांत रहा है ना, ये महीना जैसे आप देख सकते हैं कोई भी ज्यादा फोन देखने को नहीं मिले हैं अक्टूबर नवंबर की रेंज में। अब आपको दबा के सभी ब्रांड्स के फोन देखने को मिलने वाले हैं, फिर से मार्केट में तहलका मच जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैसे आप सस्ता फ्लैगशिप फोन बाय कर सकते हैं। अब आप ये देख लो, ये एक ऐसा फोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि अपने टाइम का एक लेजेंडरी स्मार्टफोन था। जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे पूरी मार्केट में इनोवेशन का टाइम चल रहा था। उसके बाद तो मुझे लगता है इनोवेशन होना ही बंद हो गई है, सभी सेम फोन लॉन्च करते जा रहे हैं, फोन देखकर पता ही नहीं लगता ये कौन सा फोन है, किस ब्रांड का फोन है, जब तक हम फोन को पीछे से देख नहीं लेते हैं क्या उसमें ब्रांड लिखा हुआ है। नहीं तो सबके डिजाइन ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं और कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा मार्केट में। बल्कि क्या है ना, जो पहले मिलता था ना मैं जिस प्राइस पे, उससे अब कम फीचर देखने को मिलते हैं सेम प्राइस सेगमेंट में। अब जो मैं आपको फीचर बता रहा हूँ ना, अगर आज की डेट में ये फीचर आते हैं किसी फोन में, तब उसका प्राइस आप ये लगा लो 40-50 हज़ार से ऊपर जाएगा। उससे कम में ये फीचर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फुल व्यू डिस्प्ले, पॉपअप कैमरा, रियर में प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम लेंस भी यहाँ पर हमें दिया जा रहा है। साथ में वाइड एंगल लेंस भी बहुत तगड़ा है इसका, 2-2 मेगापिक्सल का गेम यहाँ पर नहीं खेला गया। ये इस टाइम पे 15,000 की रेंज में बेस्ट कैमरा फोन बन चुका है। हाँ, इसको लेने के लिए थोड़ा आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी, बिकॉज जब इसकी सेल स्टार्ट होगी ना, तब आपको धावा बोलना पड़ेगा इसकी साइट पर, नहीं तो ये फोन झट से निकल सकता है। बिकॉज मुझे लगता है 15,000 में ये बहुत सही स्मार्टफोन है आज की डेट में भी। अब तक आप शायद समझ गए हो मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ, नहीं समझे मैं आपको बता देता हूँ। MI की क्लियरेंस सेल स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर क्या है ना, तो पुराने फोन है Xiaomi के उनके आपको तगड़ा डिस्काउंट दिया जाएगा। हालांकि ये आप लिस्ट देख सकते हैं, फोन काफी अजीब अजीब से हैं, पुराने हैं, मुझे मजा नहीं आया। मतलब कुछ फोन है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं ये लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको सभी फोन की लिस्ट शो हो जाएगी। इनमें से एक फोन है जो मैंने पिक किया था आपके लिए 15,000 में, Redmi K20 Pro। इस फोन के बाद तो मुझे लगता है ऐसे इनोवेशन होनी बंद हो गई थी, पॉपअप कैमरा का ट्रेंड ही खत्म हो गया था, पर मुझे पर्सनली ये फोन यूज करने में बहुत सही लगा था। आप सबको पता होगा मेरा ये बहुत टाइम तक प्राइमरी स्मार्टफोन रहा है, और आज की डेट में भी ये फोन बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर आपको इतने का मिल रहा है तो। यहाँ पर है स्नैपड्रैगन 855, जहाँ पर आपको ठीक परफॉर्मेंस मिल जाएगी प्राइस के हिसाब से। मुझे पता है आजकल जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो काफी आगे जा चुके हैं इसके कंपैरिजन में, ये 2019 का फ्लैगशिप प्रोसेसर था। अब तो आप 8th generation 1 तक पहुंच चुके हैं, 2 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पर तो अभी 855 है। फिलहाल जो 865 है ना, वो हमें अगर मिल जाता है ना 20 से कम में, तब हम कहते हैं मजा आ गया। गेमिंग हम यहाँ पर कर पाएंगे, जो गेमिंग की सेटिंग रहती है ना, हाई क्लास वाली सेटिंग, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि अपने टाइम का फ्लैगशिप किलर फोन था। उसी लेवल की यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह या फिर कैमरा वगैरह दिया गया था फोन का, जो इन एंड फील है वो भी उस लेवल की है इस फोन की, फ्लैगशिप किलर के लेवल की। और कॉम्पैक्ट साइज फोन है, सिंगल हैंड से आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। UFS 2.1 स्टोरेज इसमें दे रखी है। हालांकि मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा कितना पुराना फोन है, क्या यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगे हमें, कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको इन स्मार्टफोन्स में सपोर्ट नहीं मिलेगा जो भी इस फोन आपको इस सेल में मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में कस्टम रोम का सपोर्ट है, इसके बाद कस्टम रोम का सपोर्ट आना बंद हो गया था। अब Xiaomi के फोन में कस्टम रोम का सपोर्ट नहीं आता है, इसमें है, इसमें आप अपने हिसाब से कस्टम रोम यूज कर सकते हैं। अगर आपको MIUI पसंद नहीं है तो आप डाल लो यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, काफी सारी रोम्स अवेलेबल होंगी इस फोन के लिए। अगर आपको फोन में पंगे लेने का शौक है ना, तब मुझे लगता है आप इस फोन को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे, बिकॉज हार्डवेयर इसका अच्छा है, MIUI है जिसको आप चेंज कर लेंगे। बाकी जो ये सारे फोन है ना इग्नोर कर दीजिए, जो A सीरीज के फोन है या जो भी फोन है, क्योंकि Xiaomi के इतने पुराने फोन जो रहते हैं ना, वो भी बजट वाले फोन जहां पर प्रोसेसर वैसे ही पुराना रहता है, उनको तो भैया बिना सपोर्ट के लेने का मतलब नहीं बनता। इसमें प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल का था, तभी मैं कह रहा हूँ 15,000 में आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी ये प्रोसेसर जो इसी रेंज में स्नैपड्रैगन आते हैं ना, वो भी कई बार इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको बेस्ट कैमरा चाहिए ना, तो नहीं मिलता आजकल। 15,000 में जो भी फोन आ रहे हैं उनका कैमरा उतना स्ट्रोंग नहीं है, और ना ही ये फुल व्यू का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पर हैं, तो कोई भी आप कंटेंट देखेंगे आपको मजा आएगा। हाँ, MIUI के बग्स आपको झेलने पड़ेंगे अगर आप कस्टम रोम यूज नहीं करते तो, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आप सोच रहे हैं हैवी टास्क के लिए आपको फोन चाहिए, आप प्रो गेमर है, गेमिंग के लिए आपको 15,000 में फोन मिल जाएगा, तब भी उतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज आजकल जो गेम्स हैं वो काफी हैवी हो चुकी है, गेमिंग आप कर पाएंगे इस पे। लेकिन प्रो गेमर अगर आप है ना, आप चाहते हैं कि जो 870 परफॉर्मेंस मिलती है उस टाइप की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, उसके लिए ये फोन नहीं बना हुआ, उस टाइम था बट आज के डेट में नहीं है। आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपका इस फोन के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि आज की डेट में इनोवेशन होना काफी हद तक बंद हो चुकी है बजट वाले स्मार्टफोन में या फिर
प्रीमियम मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में। आ तो ऐसे फ्लैगशिप में भी नहीं रही है, बट फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ तो कई बार नया देखने को मिल ही जाता है। मिड रेंज में 30,000 तक में, 40,000 तक में तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।